आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खाने के तेल की कीमतें घटाने के लिए सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाम तेल के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती की गई है, जबकि सोयाबीन तेल और सोने चांदी का बेस इंपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है। सरकार ने मंगलवार देर रात जारी स्टेटमेंट में कहा कि क्रूड और रिफाइंड पाम तेल के आधार आयात मूल्य यानी कि बेस इंपोर्ट प्राइस घटा दिए हैं, जबकि क्रूड सोया ऑयल के आयात मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। इस कदम से सोयाबीन का तेल आने वाले समय में महंगा हो सकता है, जबकि पाम तेल की खुदरा कीमतों में गिरावट की संभावना है। सरकार हर पखवाड़े में खाद्य तेलों और सोने चांदी के आधार आयात मूल्य में बदलाव करती है। इसी कीमत के आधार पर सरकार टैक्स का निर्धारण भी करती है। किसी उत्पाद का आधार आयात मूल्य ही उस पर लगने वाले टैक्स की मात्रा तय करता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड आधार मूल्य पर ही कारोबारियों के लिए टैक्स की देनदारी तय करता है। पिछले सप्ताह भी सरकार ने खाने के तेल की कीमतें घटाने के लिए बड़ा ऐलान किया था। उस दौरान सरकार ने सालाना 20 लाख टन सोया तेल के आयात पर शुल्क खत्म कर दिया था। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% खाने का तेल हर साल आयात करता है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। कच्चा पाम तेल जो पहले $1703 प्रति टन के हिसाब से आयात किया जाता था, अब $1625 प्रति टन के मूल्य पर मिलेगा। इसी तरह आरबीडी पाम तेल के आधार पर आयात मूल्य को भी $1765 प्रति टन से घटाकर $1733 कर दिया गया। आरबीडी पामोलिन की बेस इंपोर्ट प्राइस भी घटाकर $1744 कर दी गई है, जो अभी तक $1771 प्रति टन के हिसाब से आयात किया जाता था। सरकार ने जहां पाम ऑयल के आयात रेट में कटौती की है, वहीं कच्चे सोया तेल का आयात महंगा कर दिया है। अब कच्चे सोया तेल के प्रति टन आयात पर कारोबारियों को $1866 का भुगतान करना होगा, जो पहले $1827 किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।